तो आज की वीडियो के अंदर हम यूजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर टैक्सोनॉमीज के नीचे इसका यूजर्स का लिंक अवेलेबल है। तो इस लिंक पे अगर हम क्लिक करें तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन को अगर हम रीड करें तो ए यूजर इज एन एक्सेस अकाउंट विद करस्पॉन्डिंग कैपेबिलिटीज विद इन द वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। तो वर्डप्रेस के अंदर आप यूजर्स को मैनेज कर सकते हैं, आप यूजर्स को क्रिएट कर सकते हैं, उनको आप डिफरेंट रोल्स असाइन कर सकते हैं। और वर्डप्रेस के अंदर जो हर रोल है उसको कुछ पर्टिकुलर कैपेबिलिटीज जो हैं वो असाइंड होती हैं, और वो यूजर जिस रोल से बिलोंग करता है वो जस्ट उन्हीं फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है जिनकी कैपेबिलिटीज उसको उस रोल के थ्रू असाइंड होती हैं। तो रोल्स हम वर्डप्रेस के अंदर कस्टम रोल्स भी डिफाइन कर सकते हैं, और हर रोल को हम कोई कस्टम कैपेबिलिटीज बना के तो हम एग्जिस्टिंग रोल्स को भी असाइन कर सकते हैं, और न्यू रोल्स जो हमने बनाए होते हैं उनको भी हम कस्टम कैपेबिलिटीज जो हैं वो असाइन कर सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेजेस, वर्डप्रेस एडहियर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेजेस, द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग ए यूजर ओनली द प्रिविलेजेस दैट आर एसेंशियल फॉर परफॉर्मिंग द डिजायर्ड वर्क। तो इसका सिंपल ये है कि वर्डप्रेस के अंदर जब भी आप कोई कस्टम रोल डिफाइन करें तो आपने मेक श्योर करना है कि उसको आपने जस्ट वही कैपेबिलिटीज असाइन करनी है जो कि वो यूजर जिसके लिए वो यूजर रोल स्पेसिफिकली बनाया गया है, और आपने वही मिनिमम प्रिविलेजेस या वही मिनिमम कैपेबिलिटीज उसको असाइन करनी है जिनको उस रोल का यूजर जो है वो परफॉर्म करेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अगर हम मूव करें, वर्किंग विद यूजर्स, तो एडिंग यूजर्स, टू ऐड ए यूजर यू कैन यूज डब्ल्यू पी क्रिएट यूजर और डब्ल्यू पी इंसर्ट यूजर। तो अगर आप कोई प्रोग्रामेटिकली कोई एक यूजर क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम डब्ल्यू पी क्रिएट यूजर का फंक्शन यूज कर सकते हैं या डब्ल्यू पी इंसर्ट यूजर का फंक्शन यूज कर सकते हैं। डब्ल्यू पी क्रिएट यूजर क्रिएट्स ए यूजर यूजिंग ओनली द यूजर नेम, पासवर्ड एंड ईमेल पैरामीटर्स, वाइल डब्ल्यू पी इंसर्ट यूजर एक्सेप्ट्स एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्क्राइबिंग द यूजर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो अगर आप सिंपल एक यूजर क्रिएट करना चाहते हैं बाय यूजिंग यूजर नेम, पासवर्ड एंड ईमेल, अगर आप ये तीनों पैरामीटर ही जस्ट उसको यूजर को साइन करना चाहते हैं तो उस केस में आप इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं डब्ल्यू पी क्रिएट यूजर को। और अगर आप कोई डिटेल्ड इंफॉर्मेशन किसी यूजर की ऐड करना चाहते हैं और उस यूजर को कुछ और भी पैरामीटर्स असाइन करना चाहते हैं तो उस केस में आप डब्ल्यू पी अंडरस्कोर इंसर्ट अंडरस्कोर यूजर का फंक्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी एक एग्जाम्पल इसने मेंशन की है। तो इस एग्जाम्पल में वो सिंपली ये कर रहा है कि सबसे पहले तो अब डब्ल्यू पी क्रिएट यूजर जो है ये फंक्शन तीन पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता है। सबसे पहले यूजर नेम, ठीक है, फिर आपका पासवर्ड और फिर एक ईमेल। तो अब लेट्स से कि आपने एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर आप यूजर से यूजर नेम गेट कर रहे हैं, उसका ईमेल गेट कर रहे हैं और पासवर्ड आप रैंडमली जनरेट करेंगे। तो आपने यूजर से गेट किया यूजर नेम और उसका ईमेल एड्रेस, ठीक है, तो ये दो फील्ड्स आपने यूजर से गेट कर ली। तो अब सबसे पहले आपने ये मेक श्योर करना है कि जो यूजर नेम उस यूजर ने एंटर किया है वो यूनिक होना चाहिए। तो ये वर्डप्रेस की रिक्वायरमेंट है कि वहां पे जो जितने भी यूजर्स होते हैं उनका यूजर नेम यूनिक होना चाहिए। तो आप सबसे पहले एक वर्डप्रेस हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है यूजर नेम अंडरस्कोर एग्जिस्ट का। तो इसको अगर आप कोई भी यूजर नेम पास करें तो ये आपको बता देता है कि क्या ये यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो अगर तो ये यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा तो ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा, और अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो ये आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने नया यूजर तब क्रिएट करना है जब ये वाला यूजर नेम एग्जिस्ट ना करता हो, ठीक है। तो जो भी इसका रिस्पॉन्स आएगा वो आपने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। फिर नेक्स्ट इसी तरह हमें वर्डप्रेस एक फंक्शन प्रोवाइड करता है ईमेल अंडरस्कोर एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करता है कि इससे आप सिंपली चेक कर सकते हैं कि जो यूजर का ईमेल जो उसने एंटर किया है क्या वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो ये भी आपने मेक श्योर करना है कि जो यूजर का ईमेल है वो भी यूनिक होना चाहिए। तो अगर तो वो एग्जिस्ट करता होगा तो ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज ये आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो इस यूजर को क्रिएट करने से पहले हम ये दोनों चेक्स जो हैं वो इस इफ स्टेटमेंट के अंदर लगा रहे हैं कि एक तो आपने ये मेक श्योर करना है कि ये यूजर आईडी या यूजर नेम जो है ये एग्जिस्ट ना करता हो, ठीक है, और दूसरा अगर तो यूजर ईमेल एग्जिस्ट करता होगा तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, और अगर ये यूजर ईमेल एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यही आपने चेक करना है कि ये फंक्शन आपको जब फॉल्स रिटर्न करे
और ये इक्वल इक्वल टू फॉल्स हो जाए, तो इट मीन्स कि ये वाला यूजर ईमेल एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में आपने इस इफ स्टेटमेंट को ट्रू करवाना है। तो जब ये दोनों कंडीशंस आपकी मीट करेंगी, यानी यूजर आईडी एग्जिस्ट ना करती हो और ना को आपने नॉट ऑपरेटर के थ्रू ट्रू करवा लिया, और फिर ये ईमेल एग्जिस्ट जो है ये भी एग्जिस्ट ना करती हो, मीन्स कि ये आपको फॉल्स रिटर्न करे और फॉल्स इज इक्वल्स 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 फॉल्स हो जाए, तो इट मीन्स ये दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू हो जाएंगी। फिर आप नीचे आएंगे और यहाँ पे आपने एक रैंडम पासवर्ड जो है वो जनरेट करवा लेना है। तो रैंडम पासवर्ड जनरेट करवाने के लिए आप ये वाला फंक्शन वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है, ये आप यूज़ करते हैं। तो इस फंक्शन के अंदर हमारे पास तीन पैरामीटर्स होते हैं, एक फर्स्ट पैरामीटर इसका रिक्वायर्ड है और दूसरे दो पैरामीटर्स जो हैं वो ऑप्शनल होते हैं। फर्स्ट पैरामीटर में आप बताते हैं कि जो पासवर्ड आप जनरेट करना चाहते हैं उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो इसको हमने 12 पास किया हुआ है। सेकंड पैरामीटर में आप बताते हैं कि आपने इसके अंदर स्पेशल करेक्टर्स ऐड करने हैं या नहीं, तो डिफॉल्ट इसकी ट्रू होती है, तो इसको हमने फॉल्स किया हुआ है। थर्ड पैरामीटर स्पेशल एडवांस लेवल के स्पेशल करेक्टर्स हैं, वो भी अगर आप अलाउ करना चाहते हैं तो वो थर्ड पैरामीटर के थ्रू आप अलाउ कर सकते हैं, और इसकी बाई डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है। तो इस वेरिएबल के अंदर हमने रैंडम पासवर्ड इसका जनरेट करवा लिया। फिर आपने इस फंक्शन जो एक्चुअल हमारा फंक्शन है जिसके थ्रू हम यूजर को क्रिएट करते हैं, इसको हम तीन पैरामीटर्स पास करते हैं, एक तो यूजर नेम जो यूजर ने ऐड किया होगा, दूसरा जो रैंडम पासवर्ड हमने जनरेट किया वो ऐड कर दिया, और तीसरा हमने इसको ईमेल ऐड कर दी। तो इस फंक्शन के थ्रू आपने इस यूजर को क्रिएट कर लिया, तो जब ये यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा या ऐड हो जाएगा, तो इसकी इस यूजर की जो आईडी होगी वो आपको रिटर्न होती है इस फंक्शन के थ्रू, और वो आईडी आपने इस वेरिएबल को असाइन कर दी। तो अब हम इसके एक एग्जांपल लेते हैं और इस कोड को इस्तेमाल करते हुए हम एक जेनेरिक एक फंक्शन बना लेते हैं यूजर के रजिस्टर करने के लिए। अब ये जो फंक्शन है ये हम फ्रंट एंड पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बैक एंड पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसके एंड पे एक फंक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन, और इसका नेम हम रखते हैं, और इसको हमने पैरामीटर्स पास करने हैं दो, एक यूजर नेम और एक हमने इसको पैरामीटर पास करना है ईमेल। ठीक है, इन दो पैरामीटर्स की बेस पे हम यूजर को रजिस्टर करेंगे और इसको रिटर्न कर देंगे उस यूजर की आईडी। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये दो पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता है, यूजर नेम शुड बी यूनिक, डॉलर ईमेल एड्रेस ऑफ द यूजर शुड बी यूनिक। तो ये हमने कुछ कमेंट्स इसके ऐड कर लिए, और फिर इसकी जो रिटर्न वैल्यू है वो क्या होगी, इट रिटर्न्स द आईडी ऑफ द न्यूली क्रिएटेड यूज़र। तो ये हमने इसके कुछ कमेंट्स ऐड कर लिए। तो अब यहाँ पे हम वो वाला कोड पेस्ट कर देंगे जो हमने कॉपी किया। तो ये कोड जो है इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो यूज़र नेम हमें यहाँ पे पास हो रहा है, इस यूज़र नेम को हमने चेक करना है कि क्या ये यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है, और इसका जो रिस्पॉन्स है वो हमने यूज़र आईडी के अंदर स्टोर करवा लिया। इसी तरह ये जो फंक्शन इसने यूज़ किया यहाँ पे, इसको भी हम यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आते हैं, और इसी तरह हम ईमेल के लिए एक यूज़र एक वेरिएबल बना लेते हैं, यूज़र अंडरस्कोर ईमेल इज इक्वल्स टू, इसको ये असाइन कर देते हैं, और इसका ईमेल है हमारा इनपुट आर्ग्यूमेंट, तो ये हमने इसको पास कर दिया। तो ये जो फंक्शन है ये इस यूज़र नेम जब हम इसको पास करते हैं, तो अगर तो ये यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है तो ये आपको उस यूज़र नेम की आईडी रिटर्न करता है, ठीक है, जो हमने इसको असाइन कर दी है। और अगर ये यूज़र नेम एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो उस केस में ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये हमें या आईडी देगा या फॉल्स। ठीक है, और ये जो फंक्शन है ईमेल अंडरस्कोर एग्जिस्ट, तो ये फंक्शन भी हमें अगर तो ये ईमेल एग्जिस्ट करती होगी तो उसकी यूज़र की आईडी रिटर्न कर देता है, अदरवाइज ये हमें फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, तो अब ये जो हमारी इफ स्टेटमेंट है इसको भी हम मॉडिफाई करेंगे। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी ये तो एज इट इज रहेगी, मीन्स के जो हमारी यूज़र आईडी है, अब अगर तो यूज़र नेम एग्जिस्ट नहीं करता
तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। और फॉल्स का हमने नॉट लगा के तो इसको ट्रू कर लिया। इसी तरह अगर ये ईमेल एग्जिस्ट नहीं करती तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, और फॉल्स का हमने नॉट बनाना है। तो इसी तरह यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे डॉलर यूज़र अंडरस्कोर ईमेल। तो ये पैरामीटर भी फॉल्स होगा और ये यूज़र आईडी भी फॉल्स होगी, तो तब आपने इस इफ स्टेटमेंट को रन करना है, और इन दोनों का नॉट ऑपरेटर लगा के हमने इनको ट्रू बनाया है। तो अगर ईमेल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो फॉल्स रिटर्न होगा, फॉल्स का नॉट हमें ट्रू मिल जाएगा, तो यहाँ पे हमें यहाँ तक ट्रू मिल गया। और अगर यूज़र आईडी एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो इसका नॉट लगा के हमने इसको ट्रू कर लिया, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, और इसका नॉट लगा के हमने इसको ट्रू कर लिया। तो जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी तो उस केस में हमने यूज़र को क्रिएट करना है। तो अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं कि हम इस फंक्शन के ज़रिए हम एक रैंडम पासवर्ड जनरेट कर रहे हैं, और फिर इस फंक्शन के अंदर हम वो तीनों पैरामीटर्स पास करेंगे जिनके थ्रू हमने यूज़र को क्रिएट करना है। तो हमारा जो यूज़र नेम है वो ये आएगा, इसको हम अपडेट कर देते हैं नेम को, और इसी तरह जो हमारी ईमेल है वो भी वेरिएबल हम अपडेट कर देते हैं, और रैंडम पासवर्ड हम वही यूज़ कर रहे हैं जो यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो अब जब ये सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा तो हमें यूज़र आईडी इस पे मिल जाएगी। इस फंक्शन का नेम भी हमने चेंज नहीं किया, प्लगइन प्रीफिक्स अंडरस्कोर क्रिएट न्यू यूज़र। इस फंक्शन को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। तो अभी हमने क्या किया है कि बजाय इसके कि एक सिंगल स्ट्रिंग हम रिटर्न करें, हम एक अरे रिटर्न कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं, अगर तो यूज़र आईडी हमें मिल जाती है तो इट मीन्स कि ये यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, यूज़र नेम। तो उस केस में हमने मैसेज इसको रिटर्न कर दिया, तो यूज़र आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, और रिजल्ट के पैरामीटर के अंदर हमने इसको फॉल्स रिटर्न कर दिया, मीन्स कि जो फंक्शनैलिटी इस यूज़र की एक्सपेक्टेड थी वो अभी फुलफिल नहीं हुई। और अगर हमें यूज़र आईडी यूज़र ईमेल मिल जाती है तो उस केस में हमने ये वाला मैसेज इसको रिटर्न करवा दिया, द यूज़र ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, और रिजल्ट के की के अंदर हमने इसको स्टिल फॉल्स रिटर्न किया क्योंकि यूज़र क्रिएट नहीं हुआ। और नीचे अगर हमारा यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है, हमें यहाँ पे यूज़र आईडी मिल जाती है, तो उस केस में हमने मैसेज रिटर्न करवा दिया, द यूज़र इज सक्सेसफुली क्रिएटेड, और रिजल्ट के पैरामीटर के अंदर हमने इसको ट्रू रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे ये यूज़र हमने एक न्यू क्रिएट ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसको अगर हम टेस्ट करें इस फंक्शन को डैशबोर्ड के अंदर, अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो आप देखें इसने हमें मैसेज शो कर दिया, द यूज़र आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि ये वाला यूज़र हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। और अगर हम इसको यूनिक कर दें, 123 ऐड कर दें, अब यूज़र आईडी तो यूनिक है लेकिन ये यूज़र ईमेल जो है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो अभी अगर हम इसको सेव करें और इसको अगर हम रिफ्रेश करें, अब देखें अब मैसेज आ गया है, द यूज़र ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। और अगर हम इस ईमेल को भी यूनिक कर दें, 123, तो अब हमारा जो यूज़र है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, द यूज़र इज सक्सेसफुली क्रिएटेड। और अगर हम यूज़र्स के अंदर जाएं और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यूज़र्स हमने क्रिएट किए हैं, और ये न्यू यूज़र 123 है जो अभी हमने क्रिएट किया है, और ये इसकी ईमेल आईडी है। तो अब जो हमारा फंक्शन है वो अब प्रॉपरली वर्क कर रहा है, और इस फंक्शन को फिर आप फ्रंट एंड पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बैक एंड पे भी, जहाँ पे आप इसको इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब अगर हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ दोबारा आएँ, तो अब इसी तरह जो आपका WP अंडरस्कोर इंसर्ट यूज़र का फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर आप यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, और उस यूज़र के अंदर आप तीन पैरामीटर्स के बजाय आप उससे ज़्यादा पैरामीटर्स भी उस यूज़र को असाइन कर सकते हैं। तो अब हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। तो इसकी एग्जांपल में आप देखें कि अब लेट से कि आपके पास एक फॉर्म है, और उस फॉर्म के थ्रू आप यूज़र से उसका यूज़र नेम गेट कर रहे हैं, उसका पासवर्ड गेट कर रहे हैं, और उसकी वेबसाइट को गेट कर रहे हैं। और जब फॉर्म सबमिट होता है तो उस फॉर्म का डेटा आपको डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट के वेरिएबल के अंदर अवेलेबल होता है। तो इन स्पेसिफिक इनपुट फील्ड्स के जो नेम्स हैं उनके थ्रू आप यूज़र से उसका डेटा गेट कर रहे हैं, और उनको रेलेवेंट जो वेरिएबल नेम्स हैं उनको असाइन कर रहे हैं। फिर आपने क्या करना है, आपने एक ऑब्जेक्ट या एक अरे प्रिपेयर करना है जो आप अपने इस फंक्शन को पास करेंगे, WP अंडरस्कोर इंसर्ट अंडरस्कोर यूज़र को। आप ये नोट करें कि आप डायरेक्टली इन वेरिएबल्स को अरे के अंदर पास नहीं कर सकते, बल्कि आपको स्पेसिफिक कीज के साथ इस इंफॉर्मेशन को ऐड करना है, और ये वो स्पेसिफिक कीज हैं जो कि आपका WP इंसर्ट यूज़र का फंक्शन जो है वो एक्सेप्ट करता है। तो यूज़र अंडरस्कोर लॉगिन की के अंदर आपने इसकी वैल्यू असाइन करनी है यूज़र नेम की, और जो यूज़र अंडरस्कोर पास की है इसको आपने वैल्यू असाइन करनी है पासवर्ड की, और जो यूज़र अंडरस्कोर URL की है इसको आपने वैल्यू असाइन करनी है इसकी वेबसाइट की। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये अरे प्रिपेयर कर लिया यूज़र की इंफॉर्मेशन का,
और फिर आपने ये अरे जो है ये इस फंक्शन को पास कर दिया। तो अगर तो यूजर सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है तो उस केस में आपको उसकी आईडी मिल जाएगी, अदरवाइज आपको एक एरर का ऑब्जेक्ट मिलेगा, जिस एरर के ऑब्जेक्ट को आप फर्दर इस फंक्शन के अंदर पास करके तो उसको चेक कर सकते हैं। जो भी हमें रिस्पॉन्स इसका रिसीव हो रहा है वो हम पास कर रहे हैं इस डब्ल्यू पी एरर के फंक्शन को। तो अगर तो ये वाकई एरर होगा तो उस केस में ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। और अगर ये आपको ट्रू रिटर्न कर रहा है तो इसका हम नॉट लगा रहे हैं फॉल्स। तो अगर ये ट्रू है तो इट मीन्स के हमें एरर रिसीव हुआ है, और एरर रिसीव हुआ है तो ये ट्रू है, ट्रू का नॉट हमने फॉल्स किया, तो इस केस में ये वाली इफ स्टेटमेंट नहीं चलेगी, ठीक है। ये स्टेटमेंट तब चलेगी जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो सारी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और वो ट्रू कब होगी जब ये जो फंक्शन है इज डब्ल्यू पी एरर ये आपको फॉल्स रिटर्न करे। और ये फॉल्स कब रिटर्न होगा जब ये जो यूज़र आईडी इसने आपको पास की है ये एरर का ऑब्जेक्ट ना हो बल्कि ये कोई और चीज़ हो। तो अब चूंकि सक्सेस के केस में हमें यहाँ पे आईडी मिलेगी, हमें एरर नहीं मिलेगा, तो ये वाला फंक्शन आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, और फॉल्स का नॉट करके आपने इसको ट्रू कर लिया तो इट मीन्स के यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो उस केस में आपने इसको मैसेज शो करवा दिया यूज़र इज़ क्रिएटेड, और एंड पे आपने उसकी यूज़र आईडी जो है वो डिस्प्ले करवा दी कि इस यूज़र आईडी से रेलेवेंट जो यूज़र है वो क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह से आप इस फंक्शन को इस्तेमाल करके एक यूज़र जो है वो प्रोग्रामेटिकली रजिस्टर कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और फिर लेटर ऑन इसको हम मॉडिफाई करते हैं। कंट्रोल सी, इस न्यू कोड को ऐड करें जो कि हमने कॉपी किया है। तो यहाँ पे देखें, ये हमारा फंक्शन है जो कि हमारे यूज़र को इंसर्ट करेगा। तो जो हमने डब्ल्यू पी क्रिएट यूजर का देखा था तो उसके अंदर हम जस्ट उसकी लॉगिन यानी यूजर नेम पास करते हैं, उसका पासवर्ड देते हैं और उसकी ईमेल आईडी प्रोवाइड करते हैं। जबकि यहाँ पे इस केस में हम उसका यूजर के लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं इसी फंक्शन के थ्रू। तो अब यहाँ पे तो इसने ये सिनेरियो मेंशन किया हुआ कि लेट्स से आपका कोई फॉर्म है जिसको आप सबमिट कर रहे हैं, तो जब आप फॉर्म को सबमिट करते हैं तो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट के वेरिएबल के अंदर आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन फॉर्म की मिल रही होती है जो इनपुट फील्ड्स के अंदर यूजर ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम डेमो के लिए ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म नहीं है, तो हम यहाँ पे हम हार्ड कोड कर देते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन को। लेट्स से हमारा यूजर नेम है माई न्यू यूजर, और लेट्स से के पासवर्ड एंटर किया है यूजर ने 1 2 3 4 5, और वेबसाइट है यूजर की कॉम, ठीक है। और यूजर अंडरस्कोर लॉगिन के पैरामीटर को हमने पास कर दिया यूजर नेम, यूजर अंडरस्कोर पास को हमने दे दिया पासवर्ड, और यूजर अंडरस्कोर यूआरएल को हमने दे दी वेबसाइट। और ये हमने डेटा जो है ई आर ए के फॉर्म में हमने इस फंक्शन को पास कर देना है। और लेट्स से कि एक और पैरामीटर हम यहाँ पे ऐड करते हैं, इसका हम फर्स्ट नेम ऐड करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास की होती है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू, लेट्स से इसको हम नेम दे देते हैं पुनीत, और एक हम लास्ट नेम भी ऐड कर देते हैं लास्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू हसन सेमीकोलन, और यहाँ पे भी हम इसको कीज देंगे प्रॉपर। तो फर्स्ट नेम के लिए की होती है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू एसोसिएटेड वर ए है, तो इसका वेरिएबल नेम है हमारे पास डॉलर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा, तो लास्ट अंडरस्कोर नेम ये होती है लास्ट नेम के लिए की, और इसका वेरिएबल नेम है ये वाला, इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो अब ये तो हमारा डेटा का अरे जो है वो प्रिपेयर्ड हो चुका है, ये हमने इसको इंसर्ट कर दिया। तो अब ये अगर यूजर सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा तो उसकी आईडी हमें मिल जाएगी, और अगर सक्सेसफुली इंसर्ट नहीं होता, कोई एरर आता है, तो उस केस में हमें एक एरर का ऑब्जेक्ट मिलेगा, जिस एरर के ऑब्जेक्ट को फिर हम इस फंक्शन के थ्रू वेरीफाई कर रहे हैं। तो ये फंक्शन क्या करता है कि अगर तो आपको एरर रिसीव होता है इस वेरिएबल के अंदर तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर एरर रिसीव नहीं होता तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर एरर रिटर्न नहीं होता मीन्स के यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है या ऐड हो चुका है, तो उस केस में आपको फॉल्स रिटर्न होगा, और फॉल्स को आपने नॉट किया हुआ है तो फॉल्स को नॉट करें तो ये ट्रू बन जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो उस केस में हम इसको मैसेज शो करवा रहे हैं यूजर इज क्रिएटेड, और जो यूजर आईडी आपको मिली है वो आपने एंड पे अपेंड कर दी है। तो अब इस एग्जांपल को हम टेस्ट करते हैं, इसको हम कंट्रोल एस करते हैं, और ये हमने डैशबोर्ड पेज पे ऐड किया था। तो अब हम अगर अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर जाएं, और यहाँ पे अगर हम अपने प्लगइन के डैशबोर्ड पेज को विजिट करें, अब देखें यूजर इज क्रिएटेड और उसकी आईडी जो है वो 6 है जो यूजर क्रिएट हुआ है। तो अब हम अगर यूजर्स के टेबल में जाएं, तो अब यहाँ पे देखें हमारा जो यूजर है वो क्रिएट हो चुका है,
इसकी जो इसका नेम भी ऐड हो चुका है जो हमने ऐड किया था, इसका ईमेल हमने डिफाइन नहीं किया था वो इसमें ऐड नहीं हुआ, और यूज़र नेम इसका ये हमने डिफाइन किया था, और इसकी आईडी जो है वो 6 है। तो इस तरह से हम इस फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास अपडेटिंग यूजर्स, wp underscore update underscore user updates a single user in the database. The update data is passed along in the dollar user data array या object. तो इस फंक्शन के जरिए हम एक सिंगल यूजर जो है उसकी इंफॉर्मेशन को डेटाबेस के अंदर अपडेट कर सकते हैं. तो अगर हम यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल देखें, ये जो wp underscore update underscore users का यूजर का जो फंक्शन है, इसको आप एक अरे पास करते हैं जिसके अंदर आप उस यूजर की इंफॉर्मेशन इसको पास करते हैं जिसको आपने अपडेट करना है. तो इस अरे के अंदर सबसे पहला पैरामीटर आप पास करेंगे आईडी, उस यूजर की आप आईडी देंगे जिस यूजर को आपने अपडेट करना है. तो आईडी आ जाएगी यहाँ पे, जो यहाँ पे इसने हार्ड कोड की हुई है, ठीक है. और फिर लेट्स से आप इसकी जो वेबसाइट है उसको अपडेट करना चाहते हैं, तो आपने यूजर अंडरस्कोर यूआरएल के पैरामीटर के थ्रू जो नई उसकी वैल्यू है वेबसाइट की, वो आपने इसको असाइन कर दी, तो जो उसकी एग्जिस्टिंग वेबसाइट की वैल्यू थी वो अपडेट हो जाएगी इस फंक्शन के जरिए. और उसी तरह अगर आपका ये वाला सक्सेसफुली यूजर अपडेट हो जाता है, तो उस केस में आपको यूजर आईडी मिलती है, और अगर ये सक्सेसफुली अपडेट नहीं होता तो उसको उस केस में आपको एरर का ऑब्जेक्ट रिसीव होता है, और उसी एरर के ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर पास करके, इस wp एरर के फंक्शन के अंदर पास करके आप मेक श्योर कर सकते हैं कि क्या ये एरर है या कोई और केस है. तो अगर ये एरर है तो उस केस में आप एरर का मैसेज शो करवा देंगे, अदरवाइज इट मीन्स कि यूजर इज सक्सेसफुली अपडेटेड, तो उस केस में आप यहाँ पे सक्सेस का मैसेज शो करवा सकते हैं. अब लेट्स से कि इसकी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो हम इस कोड को कॉपी कर लेंगे. तो अगर हम अपने कोड के अंदर आएँ और लेट्स से कि अब यूज़र हमने क्रिएट कर लिया है, तो जो यूज़र क्रिएट करने के हवाले से जो हमारा कोड था इसको हम कमेंट कर देते हैं ताकि बार बार ये रन ना हो. तो अब यहाँ पे हम वो कोड ऐड करेंगे जिसके ज़रिए हम यूज़र को अपडेट करेंगे. तो सबसे पहले तो हमने बताना है कि किस यूज़र को आपने अपडेट करना है. लेट्स से अगर हम यूज़र्स के टेबल के अंदर आएँ, तो लेट्स से ये हमारा एक डेमो यूज़र है, और इसकी आईडी अगर आप यूआरएल के देखें तो इसकी आईडी है 3, ठीक है. तो इस यूज़र की आईडी हम पहले बताएंगे विच इज़ 3, इसको हमने अपडेट करना है, और वेबसाइट हमने इसको असाइन करनी है ये वाली, ठीक है. आप कोई भी इसको वेबसाइट असाइन कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पे पास कर सकते हैं. तो फिर सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, आईडी हम इसको असाइन कर रहे हैं जिसको आपने अपडेट करना है, और वेबसाइट जो हमने इसको असाइन करनी है वो हमने दे दी इसको, और एरर के केस में हम यहाँ पे एको करवा रहे हैं The user is not updated. और सक्सेस के केस में हम इसको एको करवा देते हैं, एको The user is updated. कंट्रोल एस. तो अब हम अगर अपने डैशबोर्ड पेज को विजिट करें, माई प्लग इन डैशबोर्ड, अब देखें हमें मैसेज शो हो गया द यूज़र इज़ अपडेटेड. और अगर हम अपने यूज़र्स के अंदर जाएं और इस स्पेसिफिक यूज़र को अगर हम एडिट करें, तो यहाँ पे आप देखें इसकी जो वेबसाइट है वो अपडेट हो चुकी है. तो अब लेट्स से कि हम इसका जो फर्स्ट नेम है उसको अगर हम अपडेट करना चाहते हैं, तो हम इसके अंदर एक और पैरामीटर ऐड कर देंगे, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम. ये की होती है इसके फर्स्ट नेम को अपडेट करने के लिए. अगर आप किसी स्पेसिफिक फील्ड को अपडेट करना चाहते हैं, तो आपने पहले उसको सर्च करना है कि उसके लिए कौन सी फील्ड जो है वो यूज़ होती है. तो फर्स्ट नेम के लिए फर्स्ट अंडरस्कोर नेम की की होती है. हम यहाँ पे वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं, अभी एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे इसको हार्ड कोड कर देते हैं, कंट्रोल एस. और अब हम अगर अपने डैशबोर्ड को विजिट करें, तो द यूज़र इज़ अपडेटेड. अब अगर हम अपने यूज़र्स में जाएं और स्पेसिफिक यूज़र को देखें, तो अब देखें इसका जो फर्स्ट नेम है वो अपडेट हो चुका है. इसी तरह अगर आप इसका लास्ट नेम अपडेट करना चाह रहे हैं, तो आप लास्ट नेम लास्ट अंडरस्कोर नेम की यूज़ कर लेंगे. डिस्क्रिप्शन एडिट कर सकते हैं आप इसकी, और डिफरेंट जो फीचर्स हैं या इसके जो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं उनको एडिट कर सकते हैं. इसी तरह डिलीटिंग यूज़र, अगर आप किसी यूज़र को डिलीट करना चाहते हैं उसकी आईडी की बेस पे, तो आप इस फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं. इट डिलीट्स द यूज़र एंड ऑप्शनली रीअसाइन एसोसिएटेड एंटिटीज टू अनदर यूज़र आईडी. तो अगर आप
इस यूज़र को डिलीट करना चाहते हैं और इस यूज़र की जो इंफॉर्मेशन है या जो डेटा है वो अगर आप किसी और यूज़र को असाइन करना चाहें तो वो भी आप इस फंक्शन के ज़रिए कर सकते हैं। इसका मेन पर्पज़ यह है कि आपने यूज़र को डिलीट करवाना है। तो अब अगर हम डिलीट अंडरस्कोर यूज़र की एक एग्जाम्पल लें, तो अब लेट्स से कि हम इस यूज़र को डिलीट करना चाहते हैं, इसको हम डिलीट कर देंगे और wp_delete_user और आईडी जस्ट हम इसको पास करेंगे और यहाँ पे अगर एरर आता है द यूज़र इज़ नॉट डिलीटेड, द यूज़र इज़ डिलीटेड, तो हमने जस्ट इस फंक्शन को चेंज किया है। तो इसकी अगर हम डिटेल्स को चेक करें इस फंक्शन की, तो इसमें जस्ट हम वो आईडी पास करेंगे जिस यूज़र को हमने डिलीट करना है, और अगर आपने इस यूज़र की इंफॉर्मेशन को रीअसाइन करना है किसी और यूज़र को तो उस केस में हम सेकंड पैरामीटर इसका पास करते हैं जो कि एक इंटीजर है और ये ऑप्शनल होता है, रीअसाइन पोस्ट एंड लिंक्स टू ए न्यू यूज़र आईडी। तो अगर आप इसकी जो पोस्ट हैं या इसके डेटा को किसी और यूज़र को असाइन करना चाहते हैं तो उस यूज़र की आईडी आप इसको पास कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी नल होती है। तो हम इस फंक्शन को अकॉर्डिंगली अपडेट करेंगे। अब यहाँ पे हमें अरे की ज़रूरत नहीं है बल्कि जस्ट हमने इसको आईडी पास करनी है विच इज़ $user_ID और कंट्रोल एस। अब हम अगर अपने डैशबोर्ड पेज को रिफ्रेश करें, डैशबोर्ड पेज पे जाएं, तो आप देखें द यूज़र इज़ डिलीटेड, और अगर हम यूज़र्स के अंदर जाएं तो हमारा वो यूज़र जो है वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है।